एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट 3 बर्नर गैस स्टोव्स बताने वाला हूँ। गैस स्टोव्स आपको जनरली 1 बर्नर, 2 बर्नर, 3 एंड 4 अलग अलग साइज वेरिएंट्स में मिलते हैं। अगर आप देखो सिंगल बंदे हो तो आपका काम 1 बर्नर से चल सकता है, बट अगर आप 2 या 3 या फिर 4 लोग हो तो आपको आपकी वर्क एफिशिएंसी के हिसाब से 2 बर्नर, 3 बर्नर या 4 बर्नर में से किसी एक गैस स्टोव को चूज करना चाहिए। बट मेरे ख्याल से 3 बर्नर गैस स्टोव सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो आपका काम इससे भी चल जाता है। एंड अगर आप 3 या 4 लोग भी हो ना, तब भी आपका काम 3 बर्नर गैस स्टोव से चल जाता है। इसके अलावा इन स्टोव्स के जो बर्नर्स होते हैं ना, वो जनरली आपको ब्रास या फिर एल्युमिनियम में देखने को मिलते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी एंड लुक वाइज भी आपको चीप वाले गैस स्टोव के साथ नहीं जाना चाहिए, जहां आपको सेलेक्ट करने चाहिए ब्रास वाले बर्नर्स। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, आपको जनरली अभी काफी सारे जो गैस स्टोव हैं मैनुअल इग्निशन एंड ऑटोमेटिक इग्निशन दोनों के साथ मिलते हैं। ऑटोमेटिक मेनली जो लाइटर है वो उसके अंदर ही फिट होता है, आपको जस्ट ऑन करना पड़ता है। तो ये जो है ना, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सेफ ऑप्शन नहीं है पहली चीज तो। एंड दूसरी चीज, वो जो ऑटोमेटिक इग्निशन है ना, इन फ्यूचर 1-2 साल बाद वैसे भी खराब हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर आप महंगे से महंगा भी कोई गैस स्टोव लो तो आपको मैनुअल इग्निशन के साथ जाना चाहिए। बाकी तो गाइस आज की इस लिस्ट को शुरू करते हैं। हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पे आता है लाइफ लॉन्ग का ये वाला 3 बर्नर गैस स्टोव, जो कि आपको प्रीमियम ब्लैक फिनिश के ग्लास में देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ जो ग्लास है वो काफी ज्यादा हार्ड है एंड साथ के साथ ISI सर्टिफाइड भी है। अब अगर आपका बजट लो है ना, तो ये वाला गैस स्टोव आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 बर्नर्स तो मिल ही जाते हैं, साथ के साथ जो बर्नर्स है वो ब्रास वाले मिलते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। देखने में लुक वाइज काफी ठीक लगता है, एकदम प्रीमियम वाली फील तो आपको नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सस्ता आता है, बट LPG कम्पेटिबल है एंड उसके अलावा मैनुअल इग्निशन के साथ आता है। इसमें जो बर्नर्स हैं तीनों ही तरह के मिल जाएंगे आपको, एक सबसे छोटा वाला जिसपे आप चाय वाय बना सकते हो या पानी वगैरह उबाल सकते हो, एक बड़ा मिल जाता है एंड एक उन दोनों के बीच का भी मिल जाता है। बाकी लाइफ लॉन्ग का ये वाला गैस स्टोव कॉस्ट करता है आपको 2,300 रुपीज एंड 1 ईयर वारंटी भी आपको इसके साथ मिल जाती है। अब इसको केवल वही लोग लेना जो बजट के हिसाब से अटके हुए हैं, जिनका बजट 2,500 रुपए ही है वो लोग इसको ले सकते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाई एफिशिएंसी, अच्छे ब्रांड एंड अच्छे लुक्स के साथ आपको मिल जाता है। इस लिस्ट में अगला जो गैस स्टोव आता है एट नंबर 4 आपको मिलता है PGN का सोलोरियो 3 बर्नर गैस स्टोव। वेल PGN के बारे में ज्यादा कहने की मेरे को जरूरत नहीं है, काफी अच्छा ब्रांड है इन किचन एसेसरीज, काफी सारे प्रोडक्ट्स इसके आते हैं एंड बजट रेंज में काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाता है। फिलहाल इस वाले गैस स्टोव की बात करूं तो यहां पे आपको ऊपर की तरफ तो वही ब्लैक कलर का टफेस्ट ग्लास मिलता है, बट साइड के जो पैनल्स है ना, वहां पे आपको स्टील फिनिश मिल जाता है, जो कि इसके लुक को थोड़ा बहुत प्रीमियम साइड में एनहांस कर देता है। ऑब्वियसली जो तीनों बर्नर्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो भी इन्होंने काफी हद तक अच्छा मेंटेन किया है, बट लाइफ लॉन्ग में आपको गैप थोड़ा कम मिलता है। मेक श्योर कि अगर आप कोई 3 बर्नर गैस स्टोव या 4 बर्नर गैस स्टोव ले रहे हो ना, तो उन बर्नर्स के बीच का गैप एक अच्छा खासा होना चाहिए, सो देट आप अगल बगल में बर्तन रखो तो वो आपस में अड़े ना। बाकी इस वाले गैस स्टोव में आपको अराउंड 7 mm का टफेस्ट ग्लास मिलता है, क्योंकि काफी मजबूत आता है। बर्नर्स वही ब्रास के आते हैं एंड ये भी एक मैनुअल इग्निशन के साथ आपको देखने को मिलता है। वेल प्राइस की बात करूं तो ये गैस स्टोव आपको 2,900 रुपीज में मिल जाता है फिलहाल Amazon के ऊपर, जब साथ में आपको 5 साल की वारंटी मिलती है PGN की तरफ से। तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दोगे तो आपको चीज भी अच्छी मिलेगी एंड मेरे ख्याल से बजट रेंज में ये वाला गैस स्टोव भी काफी अच्छा है। बाकी तो मैंने लिंक्स सभी गैस स्टोव के डाल दिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। अगला जो गैस स्टोव है ये आपको मिल्टन की तरफ से मिल जाता है, मिल्टन का प्रीमियम सीरीज का 3 बर्नर गैस स्टोव, जो कि आपको रेड, ब्लू एंड अलग अलग कलर्स में मिलता है। वेल फिलहाल मैंने ब्लू वाला सेलेक्ट किया है। देखो लुक वाइज ये थोड़े फैंसी लुक में आता है, तो इतना एलिगेंट नहीं लगता, बट फिर भी आपको कलरफुल पसंद है देन आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारी चीज इसमें सेम है, वही आपको ब्रास के बर्नर्स मिलते हैं, टफ एंड ग्लास मिलता है जो कि 6-7 mm के आसपास आता है, मैनुअल इग्निशन मिलता है, ISI सर्टिफाइड है एंड मिल्टन भी काफी अच्छे एंड बड़े ब्रांड्स में से है, तो भरोसा करने लायक है। 3 जो बर्नर्स मिलते हैं वो आपको उसमें एक स्मॉल मिल जाता है एंड 2 आपको बड़े वाले मिल जाते हैं, उसके अलावा लगभग सारी चीजें सेम ही आती हैं। लुक्स फिलहाल आप देख सकते हो स्क्रीन पे। प्राइस की बात करूं तो मिल्टन की तरफ से ये वाला गैस स्टोव आपको 3,100 रुपीज में मिलता है Amazon के ऊपर एंड रजिस्ट्रेशन करके आप एडिशनल 6 मंथ की वारंटी भी इस पे क्लेम कर सकते हो, मतलब वारंटी 1.5 साल हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो 3,100 रुपीज में काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको थोड़ा फैंसी लुक चाहिए, इसमें आपको रेड कलर भी मिल जाता है एंड अलग अलग कलर वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। बाकी तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना।
अभी इस बात कर लेते हैं अगले गैस स्टोव की, जो कि काफी ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक है एंड लुक वाइज भी काफी ज्यादा प्रीमियम आता है। ये आपको एलिका का वेट्रो मिल जाता है, जो कि वही ग्लास वाला गैस स्टोव है, बट इसका जो लुक है ना गाइस काफी ज्यादा प्रीमियम है। ब्लैक कलर के मैट फिनिश में आता है एंड ऊपर की तरफ जो ग्लास है उसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा सॉलिड है। तीनों बर्नर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी काफी अच्छी तरीकों से इन्होंने मेंटेन किया है, तो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस इस वाले गैस स्टोव से मिल जाएगी। जो नीचे का पूरा सपोर्ट है ना वो स्टेनलेस स्टील का ही है। तीनों बर्नर्स आपको ब्रास बर्नर्स मिलते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में, लुक्स के मामले में एंड प्रीमियम फील के मामले में काफी अच्छा गैस स्टोव है। जहाँ प्राइस इसकी आपको अराउंड 3500 रुपीज मिलती है एंड इस बजट में बिकने वाले सबसे बेहतर गैस स्टोव्स में से एक है। 2 ईयर की वारंटी आपको मिलती है टफ एंड ग्लास के साथ। लाइक ग्लास कहीं से क्रैक हो जाता है ऑटोमेटिकली, देन आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा 2 ईयर की वारंटी आपको मिल जाती है पूरे प्रोडक्ट के ऊपर। बाकी ये भी एक मैनुअल ऑपरेटेड गैस स्टोव है, तो यहाँ पे जो इग्निशन है वो मैनुअली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। अभी गाइस अगला जो गैस स्टोव है ये आपको मिलता है प्रेस्टीज की तरफ से। अब देखो नाम सुनते ही आपको पता है कि ये जो है ना काफी ज्यादा प्रीमियम ब्रांड की तरफ से, तो ऑब्वियसली प्राइस भी ज्यादा ही होगा। बट प्राइस को एक तरफ रख के पहले मैं फीचर्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको पूरा वही ब्लैक कलर का फिनिश मिलता है, बट कलर में इन्होंने थोड़ा थोड़ा व्हाइट टेक्सचर लिया है गैस स्टोव के अंदर। जो बर्नर्स है वो एक कम्प्लीटली ट्रिपाइन ब्रास के बर्नर्स है एंड ये भी एक ISI मार्क गैस स्टोव है। अब यहाँ पे जो फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना, पहली चीज तो इसमें जो ग्लास लगा है वो स्कॉट की तरफ से आता है, जो आपको लाइफ टाइम वारंटी देता है। मतलब कि कभी भी ग्लास ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाता है या कुछ भी होता है उसमें, तो आप वारंटी क्लेम कर पाओगे। बाकी सारी चीजें तो लगभग सेम ही है, वही आपको गैस नॉब्स मिलते हैं, सारी कुछ चीजें वही है। मैनुअल इग्निशन के साथ आता है। 2 ईयर की वारंटी आपको प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाएगी। तीनों बर्नर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी काफी अच्छा खासा है, बट जो पॉइंट है ना वो है प्राइस। प्राइस इसका आपको अराउंड 6500 रुपीज मिलता है, विच इज एन ओवर प्राइस्ड। अगर आपको ये अंडर 6500-5000 रुपए तक भी मिलता है तो वर्थ इट है। सिर्फ जो चीज मैटर करती है ना वो है आप। अगर आपका बजट अलाउ करता है कि आपको एक बेस्ट ब्रांड की तरफ से चाहिए, आपको शिकायत बिल्कुल नहीं चाहिए भविष्य में, बिल्कुल आप सेफेस्ट ऑप्शन चुनना चाहते हो, देन ये वाला ले सकते हो। इसका 3 बर्नर वाला आपको 6500 के आसपास मिलता है, 4 बर्नर वाला आपको 8000 के आसपास मिलता है। तो जो भी आपको पसंद हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी गैस स्टोव्स की बेस्ट बाइंग लिंक पड़ी है, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब देखो कंफ्यूजन की तो कोई बात है नहीं गाइस, यहाँ आपका बजट मैटर करता है। अगर आपका बजट कम है 2000, देन आप लाइफ लॉन्ग वाला ले सकते हो। बजट बिल्कुल ऊपर तक है तो प्रेस्टीज ले लेना। बीच में अगर बजट है तो देखो 3 बताए मैंने आपको, तीनों अलग अलग बजट के। मान लिया कि 100-200 रुपए का ही फर्क है, बट फिर भी वहाँ पे लुक्स एंड फीचर्स का भी काफी हद तक फर्क आपको देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से आप पांचों में से अपने बजट को देखते हुए कोई भी गैस स्टोव सेलेक्ट कर सकते हो। पांचों ही इंडिया के बेस्ट गैस स्टोव है। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।